जब पेपर मुश्किल हो ना तो हमको पता चल जाए कि मैं फेल हूँगा तो फिर ये करते हुए कर क्या करूँ ऐसे करूँ हैं मैं नहीं जा रहा बट्टी के शूज हैं बट्टी मैं नहीं फेंक रहा ये कैसी वीडियो बना रहे हैं जी मालक जी ये जब हम फारिग हो चुके हैं ना मंडी लगी नहीं फारिग ये मंडी लगी हुई है जी ईद की मंडी लगी हुई है यहाँ सामने जी यहाँ पे देखें बहुत सारी वहाँ बैठी हुई है आप क्या खरीद रहे हैं वो मैं मुड़ के तो क्या आपके दो बकरे एक एक लेला भी है वो इसकी चक्की बड़ी है मंडी में हर रेट होता है। हाँ जी कितनी वीडियो है जी क्या हाल चाल है यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करो पिंडी पैशन क्या आप पिंडी की हो आप पिंडी की हो जी पिंडी का पिंडी की हो पिंडी टोपा टैक्स के बंदे हैं जी पिंडी पैशन के नाम से जानना ये बुरी बात होती है ना अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए हमारे मतलब आपको मत सिखा चल आज वाले कम जी और कम बैक से जाना मुझे तो बस समझ का था हमारा पेड़ था माशाल्लाह जी थैंक यू सो मच जी भाई आज कल हमारी तरफ से थी आज की तरफ से हुई है सब मिक्स में आज मैं फ्री हूँ और ये सारे पैसों वाले हैं जी माशाल्लाह जी ये भी ब्लॉगर बन रहा है लेकिन टाइम लगेगा हर एक चीज़ को ये सारे भाई माशाल्लाह से मौजूद हैं यहाँ पे आज पेपर दे के अभी टाइम होने लगा है मेरे हाथ से 6 o'clock शाम के 6 बजे खाना हो रहा है यहाँ पे ये देखो कैसे खाना खाने के लिए वहाँ पहुँची है आज भट्टी की तरफ से है खाना थैंक यू सो मच भट्टी साहब माशाल्लाह जी खाना का टाइम हो चुका है सब बरादरान खा रहे हैं हाशिम नहीं खा रहा पता नहीं क्यों हाशिम टेंशन में हो गया है 2000 years later अच्छा ना व्लॉग का दूसरा दिन और तुम्हारा भाई ना ये देखो फ्रूट खा रहा साथ पढ़ रहा था सही है लूडो पड़ी है लूडो मैं नहीं खेल रहा वैसे पड़ी हुई है और मैं पढ़ रहा था ठीक हो गया तो अब फ्रूट बड़े दिनों के बाद मिला है तो मैंने कहा खाना चाहिए वैसे रिस्पेक्ट के साथ अंदर आ गया तो फिर जब इज्जत हो जाए ना तो इज्जत को संभालना चाहिए तो मेरे साथ वही हुआ है बाकी यार लास्ट पेपर रहता है बस इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है लेकिन ये पुराना पेपर था ना जिसमें सेवर वगैरह भी था ये बहुत मुश्किल था पेपर वाकई में मुश्किल था बस माशाल्लाह से हो गया इसके बाद लास्ट पेपर इसके बाद वाइवा का दिन है जिसमें हमने सीरीज वगैरह सबमिट करवानी है 22 तारीख को लेकिन मंडे हमारा सबसे मुश्किल है उसके बाद आगे कोई मुश्किलात नहीं है उसके बाद ईद के व्लॉग्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे आएंगे मंडी के व्लॉग तुम्हारा भाई बनाएगा इंशाल्लाह अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाएगा और हाँ मेरे बालों को ना इग्नोर करो ये छोड़ दो ये ऐसे ही रहते हैं बड़े टाइम के बाद ना ये सवैया खाने को मिली है अब बार बार कह रही होगी कि यार ये बड़ा टाइम बड़ा लगाया हुआ लेकिन क्या करें यार ये बड़ी मज़े की होती हैं लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मिलती हैं और ये उल्लू जो था ना यहाँ पर मार गया चुका है ये साथ लगा हुआ है ये नज़र आ रहा है बिल्कुल ना टच के साथ इसके साथ मशीन के साथ मैं अभी दिखाता हूँ आपको अब ऐसे ये मर गया है यार अब इसको उतारने का जो मिशन है ना ये बड़ा मुश्किल होगा और मेरे बाल ना सफ़ेद होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी अबू भी कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है लेकिन मेरे को नहीं पता बस हो रहे हैं क्या करूँ और इसका क्या इलाज है कोकोनट का सुनने में आया कि अच्छा होता है लगाते हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं और अभी पढ़ने भी मेरे से नहीं हो रहा है अब काफ़ी टेंशन में हूँ बताओ क्या करें कौन है ये लोग माशाल्लाह से चेक करो जो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है सही हो रही है थोड़ी बेहतरी हो रही है क्योंकि मैं साथ साथ वाइपर लगा रहा हूँ तो अभी माशाल्लाह से मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने सही है पढ़ना ज़रूरी है बॉस क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है और आखिरी पेपर है और दुआ करो बस अच्छा हो जाए बाकी यार ये ना कि ना बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हूँ अपने करियर को लेकर क्योंकि ना मैं बहुत लेट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मुझे पता है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि 3 दिन वीडियो नहीं आ रही है इंशाल्लाह की कंसिस्टेंसी बहाल होगी बस कल का पेपर मुश्किल रह गया इंशाल्लाह अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स आएंगे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी आपके भाई ने बस दाढ़ी वगैरह छोड़ दो ये खुली रहेगी इसी तरह रहेगी आगे इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मंडी के ब्लॉग बनाऊँ बहुत ज़रूरी है बॉस क्योंकि बहुत ज़रूरी है बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो हमेशा से कहीं चैनल पर नहीं क्या करो सब्सक्राइब करना तो आपका हक बनता है ना।